डी एन जी ओ के नाल बहुत पुराने जुड़े हुए सिर्फ पिछले 4 सालों तो असं बर्थडे इकट्ठे मनाते रहे हैं बई का डी एन जी ओ के मैंबर भी सके जी और उन्होंने इंस्टाग्राम से साड़ी एन जी ओ की ऐड भी करते रहे साड़ी एन जी ओ चलते भी रहे हूँ भोग पै गया सारों ने सारे ने आपो अपने घर चले आना हजे भी विश्वास जहाँ नहीं आता कि बई इस दुनिया के नहीं रहा दिल का हीरा बनता असं इलैक्शन से भी 3 दिन बई के नाल रहे हैं पटियाले तो स्पैशल आना बई ने यह कहना यार भी थोड़ा रुपया नहीं लगना चाहिए तेल तक का खर्चा भी सू बई दिता से मम्मे के बई के माता जी के हाथ दियाँ असी आलू गाजर मटर से रोटियां खाते रहे एको मंजे से बैठ के रब कि जन्म का बदला ला रहा है कुछ समझ ही नहीं आया हूँ तक हम पंजाब डर ही लगन लग गया जी इस साल भी जन्मदिन बई का मनावे पर मनावे बहुत अनोखे ढंग 1100 मिट्टी के भांडे पंछियों वास्ते 500 जानवरों वास्ते मिट्टी के टब वगैरह 1100 पौधा पटियाला 11 तरीक में पटियाला गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब खंडा चौंक के लंगर लगाया जाएगा तो हर साल लगावेंगे जी। सिद्धू मूसेवाला सानू छड़ के जा चुके ने लेकिन हर एक दे दिल दे विच हर एक दी जुबान ते हर एक दे जहन दे विच सिद्धू केड़ी जगह बना के गए ने ए सानू उना दे जान पिछों उना दे पिछों कट्ठे होए वाले कट दे विच नज़र आ रहे किस तरह नौजवान कौम जड़ी है ओ ट्राले पर भर के आ रही है पिंडा दे पिंड मौजूद हो रहे ने पूरे देश विचों लोग दूरों दूरों आ रहे ने कोई अपन यादा सांझिया कर रहा कोई अपने अहसास सांझे कर रहा और इतने साढ़े नाल उन्होंने एक चाहण वाले उन्होंने छोटे वीर उन्होंने उन्होंने प्यार करन वाले समर्थक उन्होंने प्रशंसक साढ़े नाल ने कुछ तस्वीर उन्होंने कोल है असं सारे जानते हाँ 29/5 की शाम जी है सारिया के दिलों से कहर ढा गई जो ये खबर सामने आई कि सिद्धू इस दुनिया को छड़ के जा चुके हैं वो दिन जड़ा इतिहास के पन्नों के एक काले दिन के तौर के उत्ते दर्ज हो गया उत्थे ही 8 तरीक यानी कि अज उन्होंने जोड़ा भोग जी कि अंतिम अरदास श्रद्धांजलि देने दे लिए उन्होंने समर्थक उन्होंने फैनस उन्होंने परिवार अज इतने इकट्ठा होया है लखा की गिनती दे विच और 11 तरीक नू 11 जून नू सिद्धू का जोड़ा है वो जन्मदिन सीगा सो वीरे जन्मदिन दिया कुछ तस्वीर और यादा सांझिया करनगे। मैडम सिद्धू भाई एक ऐसा इंसान सी असी हर साल पिछले 4 सालों तो 11 जून जन्मदिन मना आते वीरे तुसी फैन हो उन्होंने किस तरह तुहाड़ी मुलाकात किस नाते हुई है? जो उन्होंने माता जी सरपंची खड़े सीगे असी एनजीओ वालों फोगिंग मशीन से बूटे लेके आए थे तो वो भाई है सू इन्हें चाचा ने एक बार फोन करना चाचा कि पटियाले एक्सीडेंट हो गया कि गरीब परिवार छत डिगी तो उन्होंने कहना भी यार तू खर्चा दस किन्ने सीमेंट के थैले हैं 50 थैलियाँ 100 थैला इन्नी क हैल्प साड़ी एन जी ओ के बहुत पुराने जुड़े हुए सिर्फ पिछले 4 सालों तो असं बर्थडे इकट्ठे मनाते रहे बई का हूँ इस बार भी दसो बर्थडे मनाइए किसी करके प्लीज तस्वीर उन्होंने पक्की फैंस जो देख रहे हैं उन्होंने साझिया करो सिद्धू केक कट रहे हैं एन जी ओ के मैंबर भी सके जी और उन्होंने इंस्टाग्राम से साड़ी एन जी ओ की ऐड भी करते रहे साड़ी एन जी ओ चलते भी रहे जन्मदिन मनाइए किमें कि मनाइए हूँ तो हजे भी एडा कट देख के हूँ भोग पै गया सारों ने सारे ने आपो अपने घर चले आना हजे भी विश्वास जहाँ नहीं आता कि बई इस दुनिया के नहीं रहा सो तुसी उन्हां नाल मिलदे सी असीं सारे जानते हाँ कि सिद्धू जिहड़े ने उन्हां दा सुभाअ किहो जिहा सीगा लेकिन तुहाड़े कोलों जानना चाहवांगे कि सिद्धू की कोई गलबात जो उन्हां दे फैनस तक तुसी पहुँचाना चाहो जो वह हमेशा कहिंदे सी। मैडम दिल का हीरा बनता असीं इलैक्शन से भी 3 दिन बई दे नाल रहे हैं पटियाले तो स्पैशल आना बई ने यह कहना यार भी थोड़ा रुपया नहीं लगना चाहिए तेल तक का खर्चा भी सू बई दिता से और इन्ना क प्यार से ये मम्मे के बई के माता जी के हाथ दियाँ असी आलू गाजर मटर से रोटियां खाते रहे एको मंजे से बैठ के कदे भी उन्हें बिस्तरा नहीं रखा 6-7 मुंडिया ने एको थाल ची वड्डे च मिक्स वेज पा लेनी उस माता ने पुत खा लो यदा रब कि जन्म का बदला ला रहा कुछ समझ ही नहीं आया हूँ तक। उम्मीद करते हैं कि जिहो जिहा जिगरा सिद्धू का सीगा जिदा का दिल उन्हां दा सीगा ओ उन्हां नूं चाहण वालियां दा भी ओहो जिहा होए सो दैट कि तुसीं वी उन्हां वांगू एक उन्हां नूं उन्हां दी शख्सियत नूं अपने अंदर जिउंदा रखो। हुण पंजाब दे विच डर ही लगण लग गया जी पंजाब दे विच तां आपां पहले सोचदे सी हुण देखो एक शहर दे विच इन्ने स्कूल नहीं होणगे इन्ने किराने दी दुकानां नहीं होणगे इन्ने पान दे खोखे नहीं होणगे जिन्ने आईएएस इंस्टीट्यूट खुल गए इमीग्रेशन ऑफिस वो क्यों पहला ही दोस्त सगा प्लस टू की बाहर जा रहा है प्लस टू की बाहर जा रहा है ना ठगिया ठोरिया भी होंगे रही
ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਧੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 1100 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 500 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੱਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ 1100 ਪੌਦਾ ਪਟਿਆਲਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ सो बहुत धन्यवाद ਵੀਰੇ और बहुत अच्छा काम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਬੇਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ।